Hey friends, welcome to Exam Partner Channel. मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक है हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग देखना पड़ेगा, जिसका वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो पे आना, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा हैश फंक्शन का क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक, तो चलो भाई आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। नाउ हैश फंक्शन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना क्या है कि हैश फंक्शन होता क्या है, तो वो सबने बेसिक वीडियो में देखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस। तो यहाँ पे आपके चार टाइप्स है, पहला है डिवीजन मेथड, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीसरा है मिड स्क्वायर मेथड और चौथा है फोल्डिंग मेथड। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं डिवीजन मेथड और मल्टीप्लिकेशन, यानी स्टार्टिंग के दो टाइप्स। तो उसमें देखते हैं सबसे पहला डिवीजन मेथड। तो अब डिवीजन मेथड क्या होता है आपका, अब नाम से अपने को मालूम पड़ता है कि डिवीजन यानी कि आपको कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। अब किसको डिवाइड करना है और क्या डिवाइड करना है, हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक, अब इसमें आपको दो पॉइंट्स गिवन है, पहले एक बार रीड करते हैं हम। पहला पॉइंट आपको गिवन है द हैश फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिमाइंडर ऑफ डिविजन, यानी हैश फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जिस भी आप रिकॉर्ड को या डेटा को आप डिवाइड करोगे, जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा हैश फंक्शन। ठीक, सेकेंड इज वॉट टेबल लेंथ इज डिविजर। अब यहां पे आपको टेबल लेंथ आपको गिवन होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा। ठीक, यानी हमको उस डिविजर से हमको किसी भी डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ अब एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं एक बार। आपको गिवन क्या क्या है, रिकॉर्ड गिवन है दैट इज 54, 72, 89 एंड 37 और टेबल साइज आपको गिवन कितना 10। तो 10 मेरा क्या हो गया, डिविजर हो गया। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हैश टेबल बनाऊंगा फ्रॉम 0 से लेके 9 तक। तो आप काउंट करोगे तो मेरा कितना साइज आता है, टोटल 10 साइज का मेरा एक हैश टेबल बन गया। अब मुझे क्या करना है, 0th पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे टिल 9th पोजीशन तक मेरे कौन ये जो रिकॉर्ड्स है ये कहां पे मुझे स्टोर करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है कि 0 पे होगा कि 1 पे होगा कि 2 पे होगा। ये मैंने सॉल्व किया, बट मैं आपको भी क्लियर करता हूं कि ये मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हैश फंक्शन का। तो हैश फंक्शन का फॉर्मूला है एच ऑफ की इक्वल्स टू रिकॉर्ड मॉड टेबल साइज। ये जो आपका परसेंटेज का सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। तो मॉड से हम जब भी किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जब ये सिंबल हम यूज करते हैं तो हमारा रिमाइंडर का पार्ट यहाँ पे अपना यूज होता है। ठीक, नाउ रिकॉर्ड मॉड टेबल साइज, तो टेबल साइज कितना मेरा 10 और पहला रिकॉर्ड मैं इसको अज्यूम करूंगा दैट इज 54। तो 54 मॉड 10, अब मुझे पे क्या करना है, 54 को डिवाइड करना है 10 से। ठीक, तो 10 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 10 5 जा 50, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो ये आ गया 4। तो मेरा एच ऑफ की मेरा क्या बन गया 4। तो मेरा फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू कितना आएगा 54। तो अगर आप यहां पे देखोगे, ये मैंने एरो किया, यहां पे फोर्थ पोजीशन पे कितना आ गया मुझे वैल्यू 54। अब सेकंड आते सेकंड रिकॉर्ड पे 72 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो सेकंड पोजीशन पे मेरा वैल्यू कितना आएगा, रिकॉर्ड कितना जाएगा 72। तो यहां पे सेकंड पोजीशन पे मुझे कितना मिल गया 72 मिल गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड पे 89 डिवाइड बाय मॉड 10 करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 आ रहा है बराबर। तो इस 9th पोजीशन पे मुझे कितना मिलेगा 89 रिकॉर्ड। हुआ क्लियर कैसे मैं स्टोर कर रहा हूं 7। अब यहां पे सॉरी 37 को जब मैं मॉड 10 करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो यानी 7th पोजीशन पे 37 का जो रिकॉर्ड है वहां पे अवेलेबल होगा। तो अगर मैं जब भी डायरेक्ट चेक करूंगा कि भाई मुझे फोर्थ पोजीशन में मुझे देखना है कि मेरा रिकॉर्ड कौन सा अवेलेबल है तो 54 का वैल्यू मुझे रिकॉर्ड मिल जाएगा। हुआ क्लियर। तो ये था अपना क्या डिवीजन मेथड, कि आपको यहां पे किस तरीके से डिवाइड करना है और कौन से पोजीशन पे आपको कौन सा रिकॉर्ड वहां पे स्टोर करना है। ये था अपना क्या डिवीजन मेथड। अब सेकेंड हमारा क्या है मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अब हम क्या देखेंगे मल्टीप्लीकेशन मेथड। नाउ मल्टीप्लीकेशन मेथड में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है तो आपका मल्टीप्लीकेशन आपका मेथड का यूज हो पाएगा। ना फर्स्ट स्टेप इज योर व्हाट, मल्टीप्लाई द की के बाय अ कांस्टेंट ए। अब ये के क्या है और ए क्या है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा अच्छे से, ये आपको सब आपको गिवन होगा ठीक एग्जाम में। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, एक्सट्रैक्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के, यानी जब के और ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी मेरा फ्रैक्शन पार्ट आएगा यानी पॉइंट के राइट साइड में उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा यानी उसको मैं निकाल दूंगा बाहर। ठीक, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शनल पार्ट बाय एम एंड टेक द एच ऑफ की, यानी क्या करना मुझे जो भी मैं इसका मुझे वैल्यू मिलेगा के ए का उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं एम से और मुझे उसका क्या मिल जाएगा एच ऑफ के मिल जाएगा। तो मेरा बेसिक फॉर्मूला फॉर एच ऑफ के लिए यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है एम इंटू ब्रैकेट में के इंटू ए, और के इंटू ए में क्या करेंगे मैं फ्रैक्शनल पार्ट उसको मुझे निकालना है। ठीक,
नाउ ए इक्वल्स टू 0.6180 आपको हमेशा कंसिडर करना है, राइट right? ये हमारा यूनिवर्सल है। किसी ने यहाँ पे ए का वैल्यू निकाला था कि 0.6180 निकालेंगे हम हैशिंग में, और आपको हमेशा ये यूनिवर्सल आपको नंबर आपको यूज करना है। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं। के का वैल्यू आपको कितने गिवन है, 107, और एम गिवन है 50, मैंने अज्यूम किया है। ठीक, अब ए का कितना वैल्यू है, 0.6180, तो मेरे पास में के है, एम है और ए है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, एम के और ए पूरा डेटा गिवन है, मल्टीप्लाई कर लो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, एच ऑफ के कैसे निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, एच ऑफ के इक्वल्स टू फॉर्मूला इज एम इंटू के ऑफ के इंटू ए। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो भी इसका आंसर आएगा उसको एम से मल्टीप्लाई करना था। एम की वैल्यू है 50, के का वैल्यू है 107, ए का वैल्यू है 0.6180। अब जब ये ब्रैकेट पार्ट में सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 66.12 मुझे मिल जाएगा आंसर। अब 66.12 में मुझे क्या करना था, फ्रैक्शन पार्ट को मुझे एक्सट्रैक्ट करना, राइट। तो फ्रैक्शन पार्ट कौन सा हुआ, पॉइंट के राइट साइड वाला। तो देखो यहां पे लिखा है एक्सट्रैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट, यानी 0.12, तो ये आ गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट। अब 50 को 0.12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हैश की एच ऑफ के मिल जाएगा आपको कितना, 6। तो यानी क्या होगा मेरा, ये जो की मैंने लिया था 107, ये 107 विल बी प्लेस्ड एट इंडेक्स 6 इन हैश टेबल। हुआ क्लियर अच्छे से, कि जो भी आपका हैश टेबल होगा उसमें 6 पोजीशन पे आपका 107 डेटा वहां पे अवेलेबल होगा। ये था क्या अपना मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना जरूर याद रखना। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आगे बहुत सारे वीडियोस हैं जो अवेलेबल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।